हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे एक स्टॉक को लेके जिसका प्राइस है ओनली 72 रुपीज, और इसका जो टारगेट प्राइस जो बैठ रहा है यहाँ से कम 10 गुना जो है शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए टारगेट जो है फिक्स रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए भी अचीव हो सकता है, शॉर्ट टर्म में भी अचीव हो सकता है, और या फिर लॉन्ग टर्म में 3 साल तक भी अचीव हो सकता है। तो स्टॉक का नाम एंड में बताऊंगा, पहले एनालाइज करके बताएंगे स्टॉक का क्या, स्टॉक का नाम है, स्टॉक का फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, न्यूज क्या है, सारा एनालाइज करके आपको बताएंगे। और ये जो स्टॉक है छोड़ा तो जरूर पछताएंगे, टेनिस का रिटर्न तो आपको पक्का देगा, तुरंत आपको खरीद भी लेना चाहिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और आप ट्रेडिंग रिलेटेड सर्विसेज के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करता हूँ ओवरव्यू में चैनल, ये स्टॉक का पहले जो है ओवरव्यू देखते हैं, जो नाम जो है बाद में बताएंगे। ओवरव्यू में देखिए, स्टॉक के पास जो है मार्केट कैप जो कंपनी के पास है 12,472 करोड़ का मार्केट कैप है। 12,472 करोड़ का जो है मार्केट कैप कंपनी के पास है। और करेंट प्राइस स्टॉक का जो जो प्राइस अभी चल रहा है 72 रुपीज 80 पैसा, 72 रुपए 80 पैसा का रेट में अभी ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई एंड लो का अगर बात करें तो 26 रुपया लो था 52 वीक में, और 77 रुपया 40 पैसा का हाई 52 वीक में बनाया था। स्टॉक का पीई 20.6 में है, बुक वैल्यू 25.9 में है, आरओसी 14.9 में है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 11.5 में, फेस वैल्यू 2 रुपए का है। तो कंपनी में मार्केट कैप काफी अच्छा है, करंट प्राइस 72 रुपए का है, और बाकी जो जो डेटा है सारे के सारे डेटा जो है इनलाइन है, पॉजिटिव है। और स्टॉक ने जो मूवमेंट दिया है 26 रुपए का लो और 77 रुपीज का हाई बनाया था। और अगर नेक्स्ट पैरामीटर देखिए टेक्निकल में, तो टेक्निकल में स्टॉक देखिए कुछ इस तरह का मूवमेंट दिखाया था करीब करीब जो है एक साल में, जो कंपनी ने जो रैली स्टार्ट किया था। तो अभी जो कंपनी का जो प्राइस रेट है 72 रुपया, ये जो प्राइस में ट्रेड कर रही है वो 50 DMA से भी ऊपर ट्रेड कर रही है और 200 DMA से भी ऊपर ट्रेड कर रही है। तो काफी एक जो है ब्रेकआउट में चल रही है स्टॉक। यहां से अगर तेजी आया तो कम से कम जो है कुछ दिनों में ही, मान लीजिए 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही अगर आप मूव अगर स्टार्ट होता है तो 125-30 का मूवमेंट तो आपको ये कम से कम 2-4 दिन में ही दिखा सकता है, क्योंकि स्टॉक का जो है सर्किट लेवल भी 20% का सर्किट है, 5% का नहीं है, 20% का सर्किट है। तो काफी अच्छा स्टॉक है, टेक्निकली भी ब्रेकआउट में चल रहा है, और ये जो 200 DMA और 50 DMA का ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट का अगर बात करें तो कंपनी में जो सेल्स फिगर का अगर बात करेंगे, सेल्स में देखेंगे जो कंपनी का जो है सेल्स तीन साल का देखेंगे, मार्च 2019 को 4,943 का सेल्स रेवेन्यू था, और मार्च 2020 को 5,175 करोड़ का सेल्स रेवेन्यू था, और मार्च 2021 को 4,498 करोड़ का सेल्स रेवेन्यू था, और जो अभी टिल द मंथ अभी जो चल रहा है 5,378 करोड़ का अभी कंपनी में सेल्स चल रही है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी पहले लॉस किया करती थी, लेकिन 2017 से देखिए काफी अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट करना स्टार्ट किया। नेट प्रॉफिट 2017 को 6 करोड़, 2018 को 10 करोड़, 2019 को 167 करोड़, 2020 को 242 करोड़, मार्च 2021 को 457 करोड़, और अभी जो है टिल द मंथ जो चल रहा है 607 करोड़ का जो है प्रॉफिट कंपनी ने शो किया है। और साथ ही साथ ये जो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आने वाले जो अप्रैल महीना में 25 को क्वार्टरली रिजल्ट भी है, और रिजल्ट एक्सपेक्टेशन एक्सेलेंट है। तो कम से कम 25 तारीख से पहले पहले या फिर रिजल्ट के जो बाद में भी जो है कंपनी में रैली डेफिनेटली बनेगी, कम से कम 125-30 का टारगेट जो है आपको महीनों भर में मिल जाना चाहिए। तो स्टॉक का नेट प्रॉफिट काफी अच्छा जो है एकदम जो है कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है, बढ़ रही है। अगर बात करें कंपनी का डेट का, कर्जा कंपनी के पास है कि नहीं है,
कर्जा कंपनी के पास 12,500 करोड़ का कंपनी है, उसमें सिर्फ 773 करोड़ का जो है बोरोइंग है, कर्जा है सिर्फ 773 करोड़ का। तो काफी कर्जा जो है, कर्जा भी काफी कम है। अगर बात करें इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए कंपनी के पास प्रोमोटर का जो शेयर होल्डिंग स्टेक है 60.40 का जो स्टेक प्रोमोटर के पास 2019 को हुआ करती थी, सेम स्टेक जो है 60.40 का स्टेक अभी भी बरकरार है। अगर बात करें एफआईआई का होल्डिंग का, तो 2019 में 12.98% का स्टेक एफआईआई के पास थी, अभी जो है 14.09% का स्टेक एफआईआई के पास है। डीआईआई का होल्डिंग जो है थोड़ा सा डाउन हुआ है, 0.19% का स्टेक एफआईआई के पास है, गवर्नमेंट के पास होल्डिंग नहीं है, पब्लिक के पास है 25.32% का स्टेक। तो इस तरह से डाइवर्सिफाइड है, कोई जो शेयर्स है शेयर्स भी प्लेज नहीं है, काफी अच्छा जो है डाइवर्सिफाइड किया हुआ है जो शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी। और अभी बात करेंगे स्टॉक का नाम, स्टॉक का नाम देखिए TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, ये जो जो स्टॉक है, अभी आपने कुछ दिन पहले ही इसमें अच्छा रैली देखा होगा, क्योंकि हमने अपने क्लाइंट को भी जो है लोअर लेवल में करीब 35-36 में बाई करने के लिए सजेस्ट किया हुआ था कुछ महीनों पहले, और उनका जो पोजीशन है अभी भी इंटैक्ट है। तो ये जो कंपनी है, तो न्यूज चैनल वगैरह ये सब बनाती है, TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, ये बहुत बड़ा एक कंपनी है, जैसे कि मान लीजिए जी इंटरटेनमेंट, सन टीवी, ऐसा जो स्टॉक्स है काफी प्राइस उनका ज्यादा है। ये प्राइस जो है TV18 ब्रॉडकास्ट जो है जो फंडामेंटली टेक्निकली एंड न्यूज बेस्ड जो है कंपनी जो है, सारे के सारे जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल वगैरह चलाने का जो कंपनीज है उसमें जो है लीडर बन सकती है आने वाले कुछ सालों में। तो TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड ओन्स एंड ऑपरेट्स वन ऑफ द इंडियस्ट लीडिंग 24 आवर इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज एंड करेंट अफेयर्स चैनल, CNN, IBN ये सब, और फिर भी निकोलेडियंस बोलिए, ये सब कलर्स, काफी सारे जो चैनल है ये TV18 ब्रॉडकास्ट चलाती है। तो मेन जो बात है कि कंपनी में अभी कंपनी चल रही है 52 वीक हाई के करीब जो है कंपनी ट्रेड कर रही है, और कंपनी में जो है ब्रेकआउट अभी हुआ पड़ा है, और कंपनी में यहाँ से जो है स्टॉक कम से कम जो है अपसाइड में अच्छा एक मूव दिख सकता है, क्योंकि इसका क्वार्टरली जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो सेल्स फिगर्स वगैरह काफी अच्छा है, और 25 अप्रैल 2022 को इसका जो है क्वार्टरली रिजल्ट भी आने वाला है। तो उससे पहले पहले जो है स्टॉक रैली देगी देगी या फिर जो है रिजल्ट के बाद अच्छा रैली पकड़ेगी। तो अगर इसको आप बाई करके रखना चाहेंगे 10x मल्टीपल के लिए, 10 गुना के लिए, तो हो सकता है कि आपको कम से कम 3-4 साल के लिए वेट करना पड़े, लेकिन डेफिनेटली ये श्योर है कि कंपनी जो है एक अच्छा एक रिटर्न जनरेट करके देगी। 10 गुना तो क्या, कंपनी जो है उससे ज्यादा भी रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस लाइन ऑफ सर्विस जो है काफी अभी जो इन डिमांड है, ये जो ऑनलाइन करके जो काफी सारे जो है न्यूज वगैरह जो चला रहे हैं बिग बॉस, ये कलर्स कलर्स टीवी, कलर्स में निकोलेडियंस, ये सब काफी हिट चैनल्स है। तो इसमें से जो है रेवेन्यू कंपनी का आना ही है। IBN 7 ये सेम कंपनी का, TV18 ब्रॉडकास्ट का है। तो और जो है जो कंपनी का अगर बाकी फंडामेंटल टेक्निकल सारे फिट है, अगर कोई बाई करके रखे हैं तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आपको लंबा एक टारगेट के लिए अगर कोई बाई करना चाहते हैं तो तुरंत इसको बाई कर सकते हैं, अपना जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ऑब्वियसली। और जो है अगर आप अगर कोई एक्स्ट्रा अगर कोई दूसरा कोई जानकारी भी चाहते हैं तो आप चैनल में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।